रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माही को च्युइंगम खाने का बहुत ही शौक था। वो दिन भर च्युइंगम चबाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन माही अपने कॉलेज में क्लास के अंदर बैठकर च्युइंगम खा रही होती है। ये देखकर उसकी क्लास में रेनू नाम की लड़की अपने साथ बैठी दोस्त को बोलती है, देखिए इसको बकरी की तरह मुंह चलाती रहती है, पता नहीं क्या खाती है, इसका मुंह भी तो देख कितना मोटा है। माही रेनू की बात सुन लेती है और उसकी पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो अपने मुंह से च्युइंगम निकालकर उसके डेस्क पर लगा देती है, जिसके कारण डेस्क से चिपकने पर वो च्युइंगम रेनू के बालों पर चिपक जाती है। लेक्चर खत्म होने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं और रेनू के बालों में च्युइंगम चिपकने की वजह से उसके बाल खराब हो जाते हैं और इस वजह से उसे अपने बाल तक कटवाने पड़ते हैं। साथ ही रेनू को भी पता ही नहीं होता कि उसके बालों में च्युइंगम माही ने लगाई है। अगले दिन रेनू जब अपने छोटे छोटे बाल लेकर कॉलेज आती है तो सब उसे परकटी कहकर चिढ़ाते हैं। क्लास के सभी बच्चे रेनू को देखकर हंसने लगते हैं और तभी माही बोलती है, पड़ गई ना लेने की देनी, आगे से कुछ बोलने लायक नहीं रहेगी। कॉलेज से आने के बाद भी माही का मुंह चलता ही रहता और उसकी ये आदत छूटती ही नहीं थी। वो 24 घंटे च्युइंगम खाते हुए मुंह चलाती रहती। साथ ही वो च्युइंगम खाकर जहां मर्जी फेंक दिया करती। ऐसे ही एक दिन वो सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए च्युइंगम चबा रही होती है और उसने वो च्युइंगम खाकर वही सोफे पर चिपका दी। तभी उसकी मम्मी शशि आकर सोफे पर बैठ जाती है और उसकी साड़ी पर च्युइंगम चिपक जाती है। कुछ देर बाद शशि उठकर काम करने चली जाती है, लेकिन तब भी झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू में घर के किसी कोने में च्युइंगम चिपक जाती है। ये देखकर वो गुस्से से बोलती है, माही सुधरेगी नहीं ना तू, इधर आ। अरे मम्मी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? इसी झाड़ू से कूट दूंगी तुझे, ये जगह जगह च्युइंगम फेंकना बंद कर दे, इसको साफ कर। अब देख ये उतर ही नहीं रहा, सारा फर्श खराब कर दिया तूने जगह जगह च्युइंगम फेंक कर। मुंह मत चलाती रहा कर, थोड़ा हाथ पैर भी चला लिया कर। अच्छा तो कर रही हूँ ना, कितना बोलती है आप, चुप ही नहीं होती। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और अगली सुबह जब शशि नहा धोकर अपनी कल की उतारी हुई साड़ी को धोने लगती है तो वो देखती है कि उसकी साड़ी पर भी च्युइंगम चिपकी हुई है। वो उसको छुटाने की बहुत कोशिश करती है और चिल्लाते हुए माही को बोलती है, माही माही सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे, इधर आ नहीं तो आज तेरा च्युइंगम का भूत उतार दूंगी। क्या हुआ मम्मी, क्यों हर वक्त आग बबूला हो ही रहती हो आप? अरे कभी प्यार से बात कर लिया करो मुझसे, ससुराल चली जाऊंगी ना तो देखना याद सताएगी मेरी। तू अभी निकल, मेरी जिंदगी खराब करके रख रखी है, मुझे कुछ याद नहीं आएगी। पूरे घर में च्युइंगम च्युइंगम, पता नहीं खाने में क्या मजा आता है। इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी, ये च्युइंगम उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, तूने मुझे दुखी करा हुआ है। समय ऐसे ही गुजरता है। कुछ दिनों बाद माही को देखने एक साहिल नाम का लड़का अपनी माँ लक्ष्मी के साथ आता है और माही चाय नाश्ता लेकर उनके सामने आती है। माही को देखते ही वो लोग उसे पसंद कर लेते हैं। साहिल की माँ लक्ष्मी माही की माँ से बोलती है, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर और संस्कारी है, हमें ऐसे ही शांत स्वभाव की बहू चाहिए थी, वो हमें मिल गई। अब हम जल्द से जल्द शादी करके माही को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, हम भी समय पर माही की शादी करना चाहते हैं। चलो फिर देर किस बात की, मुंह मीठा करो, लो माही तुम भी खाओ। सब मुंह मीठा कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद साहिल और माही की शादी हो जाती है और माही अपने ससुराल में भी अपने साथ च्युइंगम लेकर जाती है और बैठे बैठे वहाँ भी मुंह चलाती रहती है। माही अपने घर का काम करते करते भी च्युइंगम चबाती रहती। भले ही उसने पूरा घर संभाल लिया था, लेकिन उसकी च्युइंगम खाने की आदत शादी के बाद भी नहीं सुधरी थी। उसकी सास ने भी काफी बार मना किया, लेकिन वो तो अपनी आदत से मजबूर थी। ऐसे ही एक दिन माही की मौसी सास
कमला उनके घर आती है और बोलती है, अरे लक्ष्मी, शादी में तो नहीं आ पाई मैं, इसलिए बहू से मिलने घर ही आ गई। कहाँ है बहू, उससे मिलवा तो जरा। माही अपना काम करते हुए च्युइंगम खा रही थी, तभी उसकी सास उसे बुलाकर बाहर ले आती है। माही घूंघट करके बाहर आती है और कमला घूंघट हटाते हुए देखती है, तो माही च्युइंगम खाते हुए मुंह चला रही होती है, जिस पर कमला बोलती है, कैसी है बहू, सब बढ़िया तो है ना, मन तो लग रहा है ना तेरा यहाँ। जी मासी जी। माही का मुंह चलते हुए देखकर कमला को लगा कि वो उसको देखकर मुंह चिढ़ा रही है। कमला मुंह बनाकर लक्ष्मी से बोलती है, अरे मुझे तो तेरी बहू बहुत चलाक लगी, संभल के रही हो, अब मैं चलती हूँ अपने घर। अरे रुक तो जा, इतनी जल्दी जा रही है। ना मैं तो बहू को देखने आई थी, बस देख लिया अब जा रही हूँ। तुझे एक बात बता रही हूँ, बोलना तो नहीं चाहती लेकिन बहू मुझे देखकर मुंह चिढ़ा रही थी। अरे नहीं कमला, मैं नहीं मान सकती कि माही ने तुझे देखकर मुंह चिढ़ाया हो। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, चल अभी के अभी पूछ लेते हैं। जैसे ही लक्ष्मी कमला को लेकर अपनी बहू के पास जाती है, माही तब भी अपना मुंह चला रही होती है और कमला बोलती है, देख देख अब अकेले में किसको मुंह चिढ़ा रही है ये। अरे कमला, उसको चिंगम खाने की आदत है, पूरा दिन वो यूं ही मुंह चलाती रहती है और तुझे लग रहा होगा कि वो तुझे मुंह चिढ़ा रही है। कहा था ना, तुझे गलत फहमी हुई है। हाँ मैं गलत थी, बिना सोचे समझे उसके बारे में भला बुरा बोल गई। चल अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। कमला अपने घर चली जाती है और माही यहाँ भी च्युइंगम खाकर जहाँ मर्जी फेंकती रहती है या फिर कभी कभी सोफे पर चिपका देती है। ऐसे ही एक दिन लक्ष्मी के चप्पल में उसकी च्युइंगम चिपक जाती है। ये देखकर वो बोलती है, बहू तू एक जगह नहीं फेंक सकती इनको, कभी यहाँ फेंक देती है तो कभी कहाँ, पूरे घर में चिंगम से तूने डिजाइन बना दिया है, आगे से जमीन पर ये चिंगम दिख ना जाए मुझे, और इसे मत खाया कर, बीमारियाँ होती है इससे। माँ जी ये फेस की एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी होती है और मुझे इसका फ्लेवर भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं खा लेती हूँ, और इसके गुब्बारे बनाना तो मुझे बहुत पसंद है। ना जाने आजकल के बच्चे क्या क्या खाते हैं, तुम फुलाओ गुब्बारा लेकिन जमीन पर एक भी चिंगम नहीं दिखनी चाहिए। ऐसे ही एक दिन माही कपड़े लाकर सोफे पर रख देती है और जिसमें से उसकी सास की साड़ी पर च्युइंगम चिपक जाती है। जब उसकी सास अपने कपड़े अलमारी में रखने लगती है तो वो देखती है कि उसकी साड़ी में च्युइंगम चिपकी पड़ी है, जिसके कारण वो गुस्से में आकर माही को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है और बोलती है, तुझे समझा समझा के थक गई हूँ, तेरी समझ में ही नहीं आती ना। लेकिन माँ जी क्या हुआ, पूरा दिन जो तू गाय भैंस की तरह जुगाले करती रहती है ना, मेरे कपड़े खराब कर डाले तूने। पर माँ जी मैंने तो अब चिंगम कहीं फेंकी ही नहीं। झूठ बोलते हुए शर्म भी नहीं आती, मुँह में भी नहीं अटकती तेरे ये चिंगम, आने दे साहिल को, वही आकर बताएगा तुझे। रात को जैसे ही साहिल घर आता है, खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आराम करने चला जाता है, जहाँ लक्ष्मी आकर अपने बेटे से माही की शिकायत कर देती है और साहिल गुस्से में अपनी पत्नी माही के पास जाकर बोलता है, क्या है माही, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती, तुम माँ की बात क्यों नहीं मानती, पूरे घर में तुम जगह जगह च्युइंगम फेंक देती हो, तुमने उनके कपड़े खराब कर दिए, तुम्हारी वजह से एक दिन कलेश ना हो जाए, अपनी ये आदत सुधार लो वरना कुछ बुरा हो जाएगा मेरे हाथों। साहिल जी मैं सच बोल रही हूँ, आपकी कसम, जब से माँ जी ने मुझे बोला है ना, तब से मैंने चिंगम यहाँ वहाँ फेंकना बंद कर दिया है। चिंगम खाते खाते माही रोने लगती है और रोते हुए जैसे ही वो कुछ बोलने लगती है, तभी उसके गले में चिंगम अटक जाती है, जिसके कारण वो बोल ही नहीं पाती और अपना गला पकड़कर रोने लगती है। उसकी हालत देखकर साहिल उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। लक्ष्मी भी हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो अपनी बहू की हालत देखकर रोते हुए बोलती है, मैंने ही बोला था माही तेरे गले में चिंगम अटकती भी नहीं है, मेरी जुबान क्यों नहीं कटी है बोलते हुए, बेटा मेरी ही वजह से ये तेरी हालत हो गई है। नहीं माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है,
शायद मेरी बुरी आदत छूट जाए इसके लिए ही ऐसा होना जरूरी था। इसलिए आप घबराइए मत, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और अब मैं कभी चिंगम नहीं खाऊंगी। सोनल और समीर दोनों ही दुल्हा दुल्हन के रूप में घर में प्रवेश करते हैं। सोनल की सास अंजू देवी दोनों की आरती उतार कर घर में प्रवेश करवाती है। पूरे घर में नई बहू के आने से चहल पहल थी। ऐसे ही एक दिन सोनल के मायके वाले घर आते हैं, जिसमें सोनल की बहन कश्मीरा और उसके पिता अर्जुन सिंह आते हैं। पूरा घर इस खुशी के मौके को अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है। तभी अंजू देवी सोनल के पिता से कहती है, भाई साहब आज आप लोगों को यहीं रुकना है, रात भर हम सब मिलकर अंताक्षरी खेलेंगे। हाँ हाँ समधन जी, तैयार रहिए आप फिर। हाँ हाँ समधी जी, मैं तो तैयार हूँ। रात के खाने के बाद सभी लोग अंताक्षरी खेलने बैठ जाते हैं। म्यूजिक बजता है और पिलो को सब एक दूसरे की तरफ उछालते हैं। म्यूजिक बंद होता है और पिलो जाकर अंजू के पास आके रुक जाता है और अंजू गाना गाती है, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। फिर से म्यूजिक बजता है और सब पिलो को एक दूसरे की तरफ उछाल रहे होते हैं और म्यूजिक रुक जाता है। पिलो इस बार अर्जुन के पास आके रुकता है। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, गाने बैठे गाना सामने समधन है। फिर से म्यूजिक बजता है, सब पिलो को उछालते हैं और इस बार पिलो आके कश्मीरा के पास रुकता है और कश्मीरा गाना गाती है, हो जिनके आगे जी हो जिनके पीछे जी, मैं उनकी साली हूँ, हो मेरे जीजा जी। फिर से म्यूजिक बजता है और इस बार पिलो एक बार फिर से अंजू के पास आके रुकता है और अंजू गाना गाती है, आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, सामने समधी जी गा रही समधन है। म्यूजिक बजता है, पिलो फिर से उछाला जाता है और इस बार पिलो समीर के पास आके रुकता है और समीर गाना गाना शुरू करता है, बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना कहाँ जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। इस तरह रात भर गाने का सिलसिला चलता रहता है। ऐसे ही अगले दिन मेहमानों के जाने का समय होता है और सोनल के पिता और बहन दोनों अपना सामान पैक कर लेते हैं। वो लोग निकल ही रहे होते हैं कि अंजू देवी उनसे कहती है, अरे भाई साहब कश्मीरा को यही रहने दीजिए कुछ दिन के लिए। अच्छा बहन जी। हाँ हाँ बड़ी ही प्यारी बच्ची है, कुछ दिन के लिए यही रुकने दीजिए इसको। ठीक है बहन जी। अंजू देवी के कहने पर अर्जुन कश्मीरा को कुछ दिन और वहीं छोड़ देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी कश्मीरा समीर से बोलती है, जीजू आज शाम को ना आप जल्दी आना, हम मूवी देखने चलेंगे, मैंने टिकट भी बुक कर लिए हैं। अच्छा ठीक है आ जाऊंगा। याद से जीजू भूलना नहीं और लेट भी मत होना। हाँ हाँ बाबा आ जाऊंगा। नाश्ता करने के बाद समीर वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को कश्मीरा अच्छे से तैयार हो जाती है और समीर को फोन लगाती है, मगर समीर उसका फोन नहीं उठाता और ऐसे ही रात के 10 बज जाते हैं। कश्मीरा गुस्से से लाल हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद में समीर घर वापस आता है, तब कश्मीरा गाना गाते हुए उससे कहती है, अच्छा सिला दिया जीजू मेरे प्यार का, कैंसिल कर दिया मूवी प्लान आज का। दे दो तुम मुझको माफी, कर दी जो गुस्ताखी, अरे नहीं पता था मुझको कि मीटिंग में जाना है, अब जैसे तुम कहोगी वैसे मैं करूंगा, गलती जो मैंने की है तो पेनल्टी भी मैं ही भरूंगा। अरे झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अरे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। जीजा साले की अंताक्षरी खत्म हो गई हो तो अब खाना खा ले। हाँ हाँ बस 5 मिनट। तभी समीर कश्मीरा को समझाते हुए कहता है, ओहो साली जी इतना भी क्या नाराज हो ना। क्या
जीजू, आपकी इकलौती अच्छी साली आपके घर आई हुई है और आप हो कि आप अपने काम में ही लगे रहते हो हमेशा। अच्छा सुनो, मुझे कल काम के सिलसिले में कन्याकुमारी जाना है, क्या साथ चलोगी तुम मेरे? सच में? हाँ। लेकिन इस बार धोखा तो नहीं दोगे आप? अरे नहीं पागल, कल तैयार है ना, तुम सुबह ही निकलना है। वाओ जीजू, आई एम सो एक्साइटेड। हाँ हाँ, एक्साइटेड तो हम भी हैं, क्योंकि एक गरम चाय की प्याली हो और एक होट सी साली हो। अगली सुबह समीर और कश्मीरा दोनों रेडी होते हैं और ट्रेन से कन्याकुमारी के लिए निकल जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर उतर कर दोनों टैक्सी करते हैं और आधा रास्ता खत्म करने के बाद में समीर अचानक ही जोर से गाना गाने लगता है। मैं निकला ओ साली लेके रास्ते में, ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। अरे बस बस जीजू। तभी उनकी टैक्सी के आगे कुछ साउथ इंडियन गुंडे आ जाते हैं जो कश्मीरा और समीर को बेहोश करके एक घने जंगल में ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कश्मीरा को होश आता है और वो देखती है कि वो गुंडे साउथ इंडिया की लैंग्वेज में कुछ बातें कर रहे हैं। कश्मीरा उनको आवाज लगाती है मगर वो कश्मीरा की बात समझ ही नहीं पाते। थोड़ी देर बाद समीर को होश आता है, तभी समीर गाना गाते हुए कहता है, ये कहाँ आ गए हम तेरे साथ चलते चलते, जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर। तभी वो गुंडे यानी मंगा बली और पुंगू उनके सामने आते हैं और पुंगू समीर और कश्मीरा से कहता है, ना निन्ते पर नन्ने किडनैप चेतो किडने से लेनो। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? We kidnapped you and we will sell your kidney। हाँ क्या बोल रहे हो? What चीजू, अब हम क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। Listen, you take this girl and sell her kidney। What? जीजू आप ऐसा करोगे मेरे साथ? ओ मैंने खेल ये है खेला, एड़े को खिलाया पेड़ा ताकि हम भाग जाएं यहाँ से। तभी मंगा बली कहता है, बल्ले बल्ले मैं मंगा बली, अब दूंगा तेरी बली। जैसे ही मंगा बली और पुंगू उनकी तरफ बढ़ते हैं, दोनों जीजा साली अपने दांतों से उन्हें काट कर भाग जाते हैं और कहते हैं, कश्मीरा गोटी भाग, छोटे छोटे शहरों से खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले, बारिश कम कम लगती है नदियाँ मध्यम लगती है हम समंदर के अंदर चले। दोनों बहुत ही तेज भागते हैं और भागते भागते रोड पर आ जाते हैं। किसी तरह दोनों वहाँ से पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और मंगा बली और पुंगू के खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं और उन दोनों को जेल हो जाती है। इसके बाद कश्मीरा और समीर दोनों अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी कोई ऐसी अंताक्षरी खेली है? अगर खेली है तो हमें कमेंट में वो गाना और अंताक्षरी के बारे में जरूर लिख के भेजें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।